उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। सत्र शुरू होते ही सपा विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिवपाल यादव की अगुवाई में विधायक परिसर में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान विधायकों की पुलिस और वहां मौजूद मार्शलों से नोकझोंक हो गई। इस हंगामे के बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को अराजकता फैलाने वाली पार्टी बताया। यहां लगातार सदन में जो बातें कही जाती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने किसानों के लिए कहा कि आय दोगुनी होगी। 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई? नहीं, समाजवादी पार्टी अराजकता करना, माहौल खराब करना या उसका चरित्र रहता है। श्री सुपाल जी मुझे लगता है श्री अखिलेश जी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी की लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का पद त्याग करके हमको दे दो, इसलिए धरना दिए होंगे।